नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो हमारे पास रोम है अभी 7.1.1 पे सीआर ड्रॉइड रोम पे मैं अभी हूं और मेरे पास एक नया अपडेट आया है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन ओएस का। जी हाँ, तो एक नया ओएस है नाइट्रोजन ओएस, वो भी 7.1.1 पे अभी बना है और मुझे उसके बारे में पता चला कि काफ़ी नई सारे ट्विक्स एंड ट्रिक्स है, तो वही हम एक्सप्लोर करके देखते हैं और वो जो है वोल्ट फीचर इनेबल्ड है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो है सो वोल्ट सपोर्ट करता है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो ये तो है जियो सपोर्टेड है। तो अब हम देख लेते हैं ये नया रोम जो है सो सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये आपको दिखा दूं, मैं आपको सीएम फ्रेमवर्क मैंने रख लिया, आप ओपन जी एप्स आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं माइक्रो जी एप्स यूज़ करने वाला हूँ और नाइट्रोजन ओएस, जी हाँ, तो ये भी मैं डाउनलोड कर लिया। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम रिकवरी मोड पे, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए रिकवरी में, या फिर आप पावर बटन एंड वॉल्यूम आपकी दबा के भी आप रिकवरी मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं रिकवरी में चला जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हम रिकवरी मोड में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, बैकअप ले लेना है अपने पूरे एंड्रॉयड का। जी हाँ, इसको एंड्रॉयड बैकअप कहते हैं। ये अगर आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरे पास में बैकअप है इसका ऑलरेडी, तो मैं नहीं लेकर आया। यहाँ से आप स्वाइप करके बैकअप ले सकते हो, यहाँ पर आप स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हो माइक्रो इंटरनल या फिर यूएसबी ओटीजी के जरिए। उसके बाद में आपको करना क्या है, वाइप करना है। जी हाँ, तो एडवांस वाइप यूज़ करें, डेलविक कैश डेटा कैश कस्ट इंटरनल और आप माइक्रो एसडी कार्ड को छोड़ के, क्योंकि आपके माइक्रो एसडी कार्ड में सारा डिटेल्स वगैरह है सब कुछ, तो इसलिए बेसिकली आपको ये दोनों चीज़ें छोड़नी है। इसके बाद में आपको स्वाइप कर लेना है और इसे वाइप कर लेना है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये वाइप हो चुका है और अब इसे हम वापस आ जाते हैं इंस्टॉल में। इंस्टॉल के बाद में हम चले आते हैं डाउनलोड रोम में। तो डाउनलोड रोम में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन ओएस है और सीएम फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले आपको सीएम फ्रेमवर्क जो है इसमें फ्लैश कर लेना है। तो मैं सीएम फ्रेमवर्क जो है फ्लैश कर ले रहा हूँ, यूँ सीएम फ्रेमवर्क फ्लैश हो गया। और इसके बाद में हम इसमें नाइट्रोजन ओएस जो है केंजो के लिए वो हम इसमें फ्लैश कर लेते हैं। तो ये रहा नाइट्रोजन ओएस और इसे हम फ्लैश कर ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरा रोम जो है सो फ्लैश हो चुका है, काफ़ी जल्दी फ्लैश हो गया ये। और इसके बाद में आपको करना क्या है, बैक जाना और फिर से इसमें ओपन जी एप्स जो है सो माइक्रो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको बेसिकली पिको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जी एप्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैं माइक्रो जी एप्स यूज़ कर रहा हूँ और इसे मैं फ्लैश कर ले रहा हूँ। दोस्तों आपको सुपर एस यू फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुपर एस यू ऑलरेडी फ्लैश्ड होती है, या फिर अगर नहीं भी हो तो आप डेवलपर ऑप्शन से रूट एक्सेस यूज़ कर सकते हो कस्टम रोम में। तो इसके लिए नो टेंशन, आपको रूट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट हो जा रहा है, उसके बाद मैं रिबूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो जी एफ भी फ्लैश हो चुका है और अब हम इसे रिबूट कर लेते हैं सिस्टम। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रिबूट कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली मेरा रोम जो है सो यहाँ पे रिबूट हो चुका है और अब हम इसमें इनिशियल प्रोसेस जो भी होता है वो हम कर ले रहे हैं फटाफट। तो ये देखिए सेलुलर जियो आ गया, आस्क एवरी टाइम दिस स्टार्ट एज ए न्यू, ओके एज वी नीड टू प्रोसीड। तो दोस्तों बेसिकली हम देख लेते हैं इसमें फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो पिन हम यूज कर ले रहे हैं,
तो देखिए मैं फिंगरप्रिंट पे लगा रहा हूँ बट ये फिंगरप्रिंट ले नहीं रहा है, आई मीन वर्केबल नहीं हो रहा है, तो ये फ़िलहाल इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कोई फिक्स वगैरह हो सकता है, शायद नाइट्रोजन होम है हमारे पास में, तो ये कर ले रहे हैं अभी। ये रहा नाइट्रोजन ओएस का थीम, तो ये सुपर एसयू है और इसके अंदर जो कैमरा है मैं बग्स देख ले रहा हूँ क्योंकि कैमरे में अक्सर बग्स आ रहे हैं। हो गए, तो रियर कैमरा तो वर्किंग है एंड फ्रंट कैमरा, तो आई थिंक ये बग्स है, ये स्टक हो गया, देख सकते हैं। तो बेसिकली फ्रंट कैमरे में भी ये बग्स है, तो जो CM14 में भी बग्स है वो फ़िलहाल इसमें भी है। और अब हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो यहाँ जाइए दोस्तों, यहाँ पे ये रहा नाइट्रोजन ओएस प्रोजेक्ट, ओके, एंड 7.1.1 देख सकते हैं, एंड्रॉयड नगेट्स एज वर्किंग। और ये रहे, और अब हम इसमें देख लेते हैं वोल्ट का फीचर। तो सेलुलर डेटा ऑन जियो दिस कोई सेटिंग के लिए तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉलिंग में आ जाते हैं और कॉलिंग से ही कर ले रहे हैं कॉल 198 पे जियो से। ओके, तो कॉल तो हो रहा है बट कोई भी साउंड, अच्छा जी हाँ, तो ठीक है, ये वर्किंग फाइन है, जियो काम कर रहा है। और बाकी इसमें काफ़ी सारे ट्विक्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप बोलते हो मुझे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसके लिए ट्विक्स एंड ट्रिक्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बट दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप अगर रोम टेस्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसमें कितने सारे ट्विक्स एंड ट्रिक्स है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। आई मीन बेसिकली सारे कस्टम रोम में जो भी ट्विक्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपको सारे, थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं और सारे रोम में मिल ही जाते हैं। बेसिकली स्टेटस बार का होता है, रिसेंट पैनल का होता है, नेविगेशन बार के लिए होता है, कुछ उसमें टोस्ट होता है जो अगर स्क्रीन पे कुछ इधर उधर आए तो आप देख सकते हैं, मिसलेनियस नोटिफिकेशन रिसेंट के लिए, पावर मेनू के लिए होता है, पावर मेनू ऑन द गो वगैरह के लिए गेस्चर होता है, नेविगेशन बार बटन्स एंड क्विक सेटिंग एंड स्टेटस बार, बस इतने ही ट्विक्स सब में कर सकते हैं दोस्तों, ये इसके अलावा कोई ट्विक्स एंड ट्रिक्स ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़िलहाल, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये दिखा दूँ कि इसमें हमें मिलता कितना है, 2 GB हमें फ्री रैम मिल रहा है। तो ये भी बिल्कुल भी क्लीन है, इसमें कोई भी रैम कोई भी ऐप्स नहीं डला हुआ है इसलिए इतना रैम है फिलहाल। वैसे आपको 150 1 GB एंड 500 MB 1.5 GB के करीब आपको रैम जो है सो मिल जाएगा फ्री। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको मिल जाता है, स्टोरेज तो मैंने काफ़ी भर रखा है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आपको 23 GB तक मिल जाएगा, 23 GB तक राउंड ऑफ। और बाकी सारी चीज़ें काम कर रही है बट वही है, कैमरा काम नहीं कर रहा है। एज ए डेली ड्राइवर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे यूज करो। आप CR ड्रॉइड पे जा सकते हो, जी हाँ दोस्तों, CR ड्रॉइड मैंने इसे पिछले बार जो टेस्ट किया था वो काफ़ी अच्छा रोम है, और उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रोम है और उसे आप एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें वर्किंग फाइन है इसमें भी फ़िलहाल। एज ए कैलेंडर गूगल कैमरा तो हमने टेस्ट कर लिया, ये भी काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट तो काम करेगा ही करेगा, ईमेल तो ठीक है, फाइल मैनेजर ओके, FM रेडियो भी है, इसके लिए आपको प्लग इन करना पड़ेगा, गैलरी ठीक है काम हो रहा है ओके, और जीमेल तो ये गूगल का ही है तो ये तो काम करेगा ही करेगा, एंड बाकी रहा गूगल। और जी हाँ, एक और चीज़ मैं टेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें कोई ऐसा गूगल असिस्टेंट का नहीं है ओके। तो इसमें ये है, ये वाली बटन पे काफ़ी देर दबा के रखो तो ये जो है सो थोड़ा सा एनिमेशन के साथ में ऐसे टोस्ट हो रहा है, जो कि इसमें था ऐसे वाला ओके, जो एंड्रॉयड 7 में था इस टाइप से, दो बार प्रेस करो तो अप टू डाउन होता था, सो इसमें है इस टाइप से ओके। तो ये तो MIUI का ट्विस्ट एंड ट्रिक्स मुझे लग रहा है ऐसा दोस्तों। तो बेसिकली ये जो ट्रिक्स अभी यूज कर रहे हैं ये मैं एंड्रॉयड 6 में भी यूज करता था इस टाइप से बटन पे,
वो हमारे पास होता था एक्सपोज मॉड्यूल, एक्सपोज मॉड्यूल्स के थ्रू बेसिकली सही है। तो अब देख सकते हो यही रोम है, नाइट्रोजन ओएस। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए हुए लाइक बटन पर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके पास में कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए बटन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके। धन्यवाद दोस्तों।